नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डीएलएड की जो है प्रवेश हेतु 2400 सीटों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की वर्गवार सूची जारी कर दी गई है। जी हां साथियों, चयनित अभ्यर्थियों की सूची डीएलएड प्रवेश हेतु जितने भी साथियों ने आवेदन किया हुआ था उसके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की जो कि निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी इस बात को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं, सर मेरा किस कॉलेज में चयन हुआ। तो देखिए, आपका चयन सूची है अर्थात आपका कौन से कैटेगरी में चयन हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। आज के जो लिस्ट जारी किया है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा, आपका क्या जनरल में सिलेक्शन हुआ है या आपके कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, देखिए इसमें उन्हीं पात्र कैंडिडेट का नाम यहां पर आपको दिखाई देगा जिनका चयन साथियों किसी न किसी कॉलेज में हुआ है। ठीक है, किसी न किसी कॉलेज में जिनका नाम आया है उसी का यहां पर लिस्ट जारी हुआ है। अर्थात यदि आपका इस सूची में नाम है साथियों तो आप कह सकते हो कि आपका चयन हो चुका है। अब कौन से में चयन हुआ है, कौन से कॉलेज में आपका चयन हुआ है, कौन से महाविद्यालय में आपका चयन हुआ है, वो कब आएगी, ये आप में से बहुत सारे साथियों का सवाल है। तो इसके लिए क्रमांक 2 पर आप आइए, देख सकते हो यहां पर मेंशन है दिया हुआ है, चयनित अभ्यर्थियों का अध्ययन केंद्र आवंटन सूची में प्रवेश प्रक्रिया तथा तिथि आगामी सप्ताह में जारी किया जाएगा। देखिए अगले सप्ताह जो है इसकी तिथि जारी कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का आप सतत अवलोकन करते रहें, अर्थात इस सप्ताह नहीं अगले सप्ताह साथियों आपके वेबसाइट में जो है इनकी वो सूची जारी कर दी जाएगी, अर्थात कॉलेज अलॉटमेंट की सूची जो है जारी कर दी जाएगी कि आपका कौन से कॉलेज में चयन हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि निकलकर सामने आ रही है, डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु चयन सूची जारी कर दी गई है, विभाग द्वारा जारी कर दी गई है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ये जो सूची है जारी कर दी गई है। और सभी साथियों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है जिन्होंने डीएलएड के लिए आवेदन किया हुआ था। जय हिंद वंदे मातरम। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद वंदे मातरम।